अगर आपको नई वेबसाइट बनवानी है या फिर अपनी वेबसाइट को डिजाइन करवाना है तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे संपर्क करें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करेंगे हाई स्पीड में। और दोस्तों बात करने वाले हैं पीएम किसान योजना के बाद एक नई योजना की घोषणा की गई और उसमें 5,000 रुपए से लेकर किसानों को मिलेंगे 25,000 रुपए तक। तो जानेंगे इस नई योजना के बारे में, क्या है योजना और कौन से किसानों को इस 5,000 से 25,000 रुपए वाली योजना का लाभ मिलेगा और कहाँ पे ये योजना लागू होगी, कौन से किसानों के लिए योजना लागू होगी। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बाद एक और नई योजना की घोषणा। और आपको बता दें कि इस योजना में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का तो लाभ मिलेगा ही, साथ में जो नई योजना आएगी इसका भी लाभ किसानों को दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं किसानों की इस नई योजना के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले और सरकारी योजना व लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बाद एक नई योजना। यहाँ पे आप देख सकते हैं आज तक की रिपोर्ट के अनुसार रघुवर की किसान आशीर्वाद योजना हर साल मिलेंगे 5,000 से 25,000। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री रघुवर दास प्रदेश के किसानों के लिए रघुवर सरकार मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का आगाज करने जा रही है। इस योजना की शुरुआत उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू शनिवार को यानी 10 अगस्त को रांची स्थित हरूम मैदान से करेंगे। इस योजना के तहत किसानों को 1 एकड़ जमीन पर 5,000 रुपये सालाना राज्य सरकार है वो देगी और मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत 5 एकड़ तक जमीन वाले किसानों को सरकार द्वारा न्यूनतम 5,000 और अधिकतम 25,000 रुपए दिए जाएंगे। आपको बता देंगे 1 एकड़ पर 5,000 रुपए, अगर 2 एकड़ है तो 10, 3 एकड़ है तो 15,000 रुपए सालाना इस हिसाब से मिलेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं तो इस तरीके दोनों योजनाओं से झारखंड के किसानों को हर साल कम से कम 11,000 रुपए और अधिकतम 31,000 रुपए का लाभ है वो किसानों को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का लाभ झारखंड के उन किसानों को ही मिलेगा जो सरकारी नौकरी नहीं करते हो, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता हो और 10,000 रुपए से ऊपर पेंशन ना मिलती हो। इस योजना की राशि को सरकार किसानों को 2 किस्तों में देगी। 1 एकड़ जमीन वाले किसानों को पहली किस्त 2,500 रुपए दी जाएगी, जब बाकी 6 महीने बाद दूसरी किस्त वो दी जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से 1 एकड़ पे 5,000 और 5 एकड़ पे 25,000 रुपए किसानों को है वो 2 किस्तों में झारखंड सरकार देगी। और इस मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का 10 अगस्त को रांची में इसका ऐलान किया जाएगा। तो झारखंड के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, जिन किसानों के पास 1 एकड़ से 5 एकड़ तक जिन किसानों के पास जमीन है उनके लिए ये एक अच्छी योजना है वो झारखंड सरकार लेकर आ रही है और 10 अगस्त यानी 2 दिन बाद इसका ऐलान कर दिया जाएगा। अगर आपको नई वेबसाइट बनवानी है या फिर अपनी वेबसाइट को डिजाइन करवाना है तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे संपर्क करें।